हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं और होना भी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र। बहुत सारे फार्मूले जो दिए हुए फिजिक्स में, न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, और जितना भी फिजिक्स में फार्मूला है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आएंगे तो वही फार्मूला लगेगा। इस फार्मूला को रट्टा मार लीजिएगा पूरे, ठीक है? जितना है 35, 40, 50 जितना भी फार्मूला करवा रहे हैं सारे को रट्टा मार लेना आपको, ठीक है? दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा उसमें, क्योंकि होता है हिंदी वाला तो इंग्लिश में दिक्कत है, इंग्लिश वाले को हिंदी में दिक्कत है, इसलिए दोनों में थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और कोई भी एग्जाम बैठिएगा जहाँ फिजिक्स सिलेबस में है, वो फार्मूला काम आना ही आना है। न्यूमेरिकल आएगा तो आप फाड़ के आइएगा, ठीक है? तो जैसा कि पता ही होगा कि हम लोग JSSC CGL को टारगेट करते हुए रेगुलर बेसिस पर क्लास दे रहे हैं, जो कि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और सबका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। जैसा कि रेगुलर बेसिस पे आप हर दिन देखते हैं तो पता ही होगा आपको, जो नहीं देखता उसके लिए बोल रही है बात के लिए, ठीक है? और क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, जैसा कि एग्जाम में हो चुका है। अभी IB का एग्जाम चल रहा था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला है, हमारे कराया गया क्वेश्चन। पहले बता चुके हैं कि झारखंड बिहार सचिवालय हो या फिर BPSC का एग्जाम हो, वहाँ भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उम्मीद करते हैं झारखंड CGL में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग करते हैं फिजिक्स का उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल सभी परीक्षा के लिए, या ये नहीं कि CGL के लिए, सभी परीक्षा दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, सभी जड़ी बूटी का काम आएगा ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है? बायलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, ऑल एग्जाम, ठीक? चलिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है और रेगुलर बेसिस। चलिए पहला फार्मूला डिस्टेंस, दूरी पूछेगा। दूरी का तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, क्या होता है? स्पीड इंटू चार्ज इंटू समय डिस्टेंस। सब एक एक फार्मूला बताएंगे, सब जीरो से लेके A to Z बताना है, एकदम बेसिक से लेकर टफ तक क्वेश्चन बताना है आपको, ठीक? सब फार्मूला कवर करवा देंगे तो दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक दोस्तों? चलिए तो ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं पेन को, कौन सा कलर रखें? चलिए तो बताइए क्या होता है स्पीड डिस्टेंस, क्या था स्पीड इंटू टाइम, समय इंटू चाल। वेग मतलब वेलोसिटी होता है, क्या होता है? विस्थापन अपन समय, इन होता है विस्थापन अपन समय। चलिए त्वरण, त्वरण वेग में परिवर्तन अपन समय, त्वरण उसे बोलते हैं, वेग में परिवर्तन अपन समय। आवेग, आवेग क्या होता है? इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स इन होता है, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू इंटू डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स ये बल इंटू समय तरांतरण, फोर्स इंटू टाइम, सॉरी इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, याद रखिएगा इम्पल्स क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल दे देगा, फोर्स दे देगा, टाइम दे देगा और बोलेगा इम्पल्स निकाल, आवेग निकाले, तो क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम। मोमेंटम बताइए, संवेग, इसका फार्मूला है द्रव्यमान इंटू वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, द्रव्यमान मतलब मास, तो मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होगा? न्यूमेरिकल में पूछना चाहेगा, मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, याद रखना आपको, ठीक है? चलिए बल, फोर्स क्या होता है? फोर्स के बारे में बताइए, क्या होता है फोर्स? क्या होता है? F = ma, कौन सा लॉ है? न्यूटन सेकेंड लॉ, कौन सा लॉ है? न्यूटन सेकेंड लॉ, F = ma मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, ठीक है? एक क्लास यूनिट का ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी बस मेन फार्मूला देख लीजिए क्या है। वर्क क्या होता है? कार्य, फोर्स मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क, बल इंटू विस्थापन, विस्थापन मतलब, विस्थापन मतलब डिस्टेंस और बल मतलब फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस उसको बोलते हैं कार्य वर्क। शक्ति, पावर क्या तो बताइए? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डिवाइड बाय टाइम, कार्य पर यूनिट समय, इसी को बोलते हैं शक्ति या फिर पावर, ठीक है? घनत्व, डेंसिटी जिसको बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान अपन आयतन, ठीक है? गति ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपको, गति ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी निकालना पूछ सकता है, तो कैसे निकालिएगा इसको? तो आसान है, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हाफ या मास पता है, वेलोसिटी भी पता ही है, ठीक है? इसमें हिंदी में दिक्कत नहीं है, गति ऊर्जा बोलते या फिर काइनेटिक एनर्जी बोलिएगा इंग्लिश में, ½ mv². स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, किसको? पोटेंशियल एनर्जी, MgH, एनर्जी ड्यू टू हाइट उसको बोलते हैं MgH, याद रखिएगा, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बल अधूर्ण, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में, क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? टॉर्क, बल अधूर्ण बोलते हैं उसको।
चलिए, जड़त अधूर्ण। जड़त अधूर्ण क्या होता है दोस्तों? मोमेंट ऑफ एनर्जी, नाम सुने होंगे, मोमेंट ऑफ एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं जड़त अधूर्ण। मोमेंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ये होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है आपको। चलिए, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, एग्जाम में दे देगा, फोर्स दे देगा, लेंथ दे देगा, और बोलेगा कि सरफेस टेंशन कितना है बताइए इसका, या फिर पृष्ठ तनाव कितना बताइए। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, बल अपन लंबाई। ये सरफेस टेंशन का डिफिनेशन है। चलिए, कोणीय वेग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी बताइए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या होता है? कोण अपन थीटा जो होगा अपन टाइम। ये होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग या फिर एंगुलर वेलोसिटी। चलिए, कोणीय संवेग क्या होता है? मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताइए, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इनर्शिया इंटू कोणीय वेग। मतलब क्या होता है? एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर क्या होता है? आई ओमेगा लिखते हैं। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब समझ सकते हैं वही होता है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू एम बी आर, याद रखें। एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन पूछ देगा, मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, आर दे देगा, पूछेगा एंगुलर मोमेंटम क्या बताइए। एंगुलर मोमेंटम होता है एम इंटू बी इंटू आर। क्या होता है? एम बी आर, एंगुलर मोमेंटम, याद, बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलिए, सरल लोकल का आवर्तन, मतलब क्वेश्चन पूछेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन दे देगा लेंथ, जी मतलब जी लेंथ हो गया, जी हो गया, आर कुछ भी लिख देगा। तो इसका फॉर्मूला रखना है, टाइम पीरियड टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई, एल मतलब लेंथ होता है, जी मतलब 9.98 पता ही होगा इंटू 10 के पावर 9.98 मीटर, इसको टेंथ मान सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हैं। एल जी का मतलब वही होता है, ग्रेविटेशनल नहीं होता है वही। चलिए, प्लायन वेग क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, प्लायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकते हैं इसको, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको डाटा याद रखना, ये 11.2 क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये एस्केप वेलोसिटी या फिर प्लायन वेग बोलते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? प्लायन वेग अंडर रूट ऑफ जी, जी का वैल्यू हम बताएंगे आगे, ठीक है, जी का वैल्यू आगे बताएंगे। मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, याद रखिए दोस्तों, एग्जाम में फॉर्मूला पूछेगा मास ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, या मास ऑफ, मान लो ऑप्शन दे देगा, इसे करके दे देगा, जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट का होल स्क्वायर, नहीं ये गलत हो जाएगा, तो याद रखना मास ऑफ अर्थ कौन सा होगा, फिर से लिख दे रहे यहाँ पे, देख लीजिएगा, दिख नहीं रहा, चलिए यहाँ पे, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? स्कैप वेलोसिटी, या फिर एक और इसको सॉल्व कीजिएगा तो टू जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, टू जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, प्लायन वेग इसको बोलते हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो मास दे दिया हुआ है, ठीक है, एक एम वन है, एक एम टू, देखिए कहाँ एक एम वन है, चल क्यों नहीं रहा भाई, एक एम वन है, एक एम टू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर दे दिया है, एक एम है, एक बड़ा एम है, इसे पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? जी बोलते हैं इसको, ये इसका होता है फॉर्मूला थी थ्योरी कि फोर्स जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, उसको जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पुट करेंगे यहाँ पे, ये तो हो जाएगा एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट पूछ सकता है जी का, बताते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, तो क्या होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है, यूनिट याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे में पर के जी स्क्वायर, 6.67 इंटू 10 के पावर -11, क्या बोले, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जितना भी आज फिजिक्स करवा रहे हैं इसी में से देखिएगा, आपको सचिवालय एग्जाम या कोई एग्जाम बैठने जाइएगा, और फिजिक्स यहाँ पोर्शन दिया है 6-5 क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन आपको पक्का फंसेगा यहाँ से, ठीक है, या तो यूनिट पूछ सकते हैं या फिर डाटा पूछ सकते हैं या फिर फॉर्मूला से करंट पे क्या बोलते हैं, करंट पे बोलते हैं फॉर्मूला से न्यूमेरिकल पूछ सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करंट के बारे में देख लेते हैं, करंट का डिफिनेशन क्या होता है? आवेश अपॉन समय, क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, इसका याद रखना है, ठीक है। प्रतिरोध में रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, यही ना होता है, तो यहाँ से आर क्या होता है? वी बाई आई, भाई वोल्टेज पापो अपन करंट,
क्या था, वोल्टेज अपॉन करंट, क्या होता है वोल्टेज अपॉन करंट, प्रतिरोधक रोधकता रेजिस्टिविटी, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल अपॉन ए, याद रखिएगा ठीक है। आर क्या है, आर का बता दिए, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस बोलते हैं, रो मतलब रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता, लेंथ एल फॉर लेंथ और ए फॉर एरिया, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, तो यहाँ से निकाल दीजिएगा ठीक है। उष्मा या हीट, ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार लेना है ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तीन को याद रखना है, आई स्क्वायर आर टी, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, टी मतलब टाइम, या फिर वी आई टी, यहाँ से बंद वी आई टी एक ही फॉर्मूला है, या तो इसको लगाइए जो जो दिया, या फिर इसको लगाइए, या फिर इसको लगाइए, ये इसको याद कीजिएगा तो वहीं से निकल के आता है, जैसे आई स्क्वायर आर टी है ना, वी इज इक्वल टू आई आर ठीक है, यही होता है। तो आई की जगह पुट कर दिए वी, देखिए ये आई है ना, यहाँ पुट करिए आई की जगह, क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर से आर खत्म है तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, देखिए ये ना, तो वही फॉर्मूला आएगा ठीक है, वी इज इक्वल आई टी, या फिर आर की जगह यहाँ पे वी इज इक्वल आई आर, तो आर की जगह वी आई पुट कर दीजिए, आर की जगह क्या करना है वी अपॉन आई पुट कर दिए, जैसे आर की जगह आई स्क्वायर, आर की जगह वी अपॉन आई पुट कर दिए इंटू टी, तो आई से आई खत्म, तो वी आई टी आ गया ना, वी आई टी, तो ये मेन फॉर्मूला यही है, इसी से आया है ठीक है। तो तीनों याद रखेगा, आई स्क्वायर आर टी, उष्मा का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी, वी स्क्वायर बाई आर, शायद कन्फ्यूज नहीं होइएगा, एक ही फार्मूला है ठीक है, आई स्क्वायर आर टी यही मेन फार्मूला है। कैसे निकलेगा, अब एक बार वी इज इक्वल टू आई आर से लगा दीजिए, आई का वैल्यू पुट कर दीजिए वी अपॉन आई, तो यहाँ से निकल के आ जाए वी आई टी, एक बार आर का वैल्यू पुट कर दीजिए तो वी स्क्वायर बाई आर निकल के आ जाएगा, तो सेम चीज़ है, एक ही फार्मूला है ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को उल्टा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवृत्ति आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम, टाइम का इन्वर्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहे हैं आपको, कोणीय आवृत्ति ओमेगा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टू पाई बाई टाइम ठीक है, टू पाई बाई टी बोलते हैं उसको, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं। 26 नंबर आइए, तरंग धैर्य वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, वेब डिनोट करते हैं लेमडा से, याद है ना लेमडा से, तो फॉर्मूला बहुत ही इससे न्यूमेरिकल बन सकता है आपको ठीक है। स्पीड दे देगा, स्पीड लाइट इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ये फॉर्मूला पता है ना आपको। चलिए तो आप फ्रीक्वेंसी समझ जाते क्या होगा, और लेमडा मतलब तरंग धैर्य, स्पीड मतलब वेग, समझ गए आप लोग ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए दाब प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, दाब क्या होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी केंद्रीय बल सेंट्रीपेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपेटल फोर्स जैसे ना, तब जब बेंडिंग में मूव करते, जब सर्कुलर मोशन में घूम करते, तो कौन सा किसके कौन सा फोर्स के कारण हम लोग कॉन्स्टेंट घूमते हैं, जो इनर की तरफ लगता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम क्या होता है मास, वी मतलब वेग, आर मतलब रेडियस। चलिए गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखना है तीनों, हो सके इस पर निर्भर पूछ दे, इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा, क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या होता है फाइनल वेलोसिटी होता है v, और ये होता है इनिशियल, पता ही होगा शायद। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, हाफ a मतलब एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, और एक बार ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये तीनों फॉर्मूला रट्टा मार लेना आपको ठीक है, हो सके इस पर न्यूमेरिकल बन जाएगा आपका ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है आपको कन्फ्यूजन न्यूमेरिकल में हो सकता है, दे दिया कि ए का अपेक्षित वेग मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बी के संक्षेप में क्या होगा, ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के संक्षेप में क्या होगा, इसको लिखा जाता है वी ए माइनस वी बी, जिसके संक्षेप में पूछेगा इसे लिखना है ठीक है, कन्फ्यूज मत उल्टा मत कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा तो फिर नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, और नेगेटिव में ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में भी, तो गलत करके आइएगा। ए का अपेक्षित वेग वेलोसिटी रिलेटिव टू बी, तो ए पहले आएगा फिर बी आएगा, तो वी ए माइनस वी बी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है, जाने ऊपर जाकर फिर नीचे आने में कितना लगता है, कौन सा समय, तो ये डेट टाइम आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है टी यू साइन थीटा अपॉन जी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आता है ये देखिए दोस्तों, ये 11th में पढ़ना होता है, लेकिन इसको फॉर्मूला हो सके पूछ दे ठीक है, इसलिए कुछ आपको रिस्क नहीं लेना है, इसलिए बोलेगा पूरा करवा देते हैं बेसिक से लेकर हार्ड तक, सारे रट्टा मार दीजिए, कोई भी एग्जाम बैठिए फाड़ के आइए ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ियन काल क्या बोलते हैं टू यू साइन थीटा अपॉन जी, उसी तरह हाइट पूछता है, वो हाइट क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी,
ये हाइट हो गया। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब क्षैतिज परास, रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। चलिए एक इसमें फार्मूला में थोड़ा सा लग रहा डॉट थोड़ा, रेंज का यू स्क्वायर साइन को थीटा अपॉन टू जी शायद ये होता है, शायद देखना पड़ेगा ठीक है, है ना। देखना पड़ेगा शायद ना दोस्तों, बताइए आप लोग गलत है शायद ना। चलिए देखिए दोस्तों ये है ना हाइट, ये जो हाइट है ना तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी होता है, याद रखना है यहाँ नीचे टू नहीं लिखे थे ठीक है, ये टू जी होता है। और रेंज होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तीनों फार्मूला याद रखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या क्षैतिज परास या फिर हाइट बोलते हैं, टू यू साइन थीटा अपॉन जी ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी ये हाइट है, रेंज बोलेगा तो यू स्क्वायर साइन टू था साइन टू थीटा अपॉन जी, तीनों फार्मूला याद रखना आपको ठीक है। मिरर फार्मूला ये दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए दर्पण में क्या होता है, वन अपॉन एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ, बी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल, ये सब चीज़ पता होगा शायद, ये सब बताने की जरूरत नहीं। वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू, वन बाई वी प्लस वन बाई यू, ये है मिरर का फार्मूला, याद दिमाग में रखना क्योंकि आप लोग लेंस में कन्फ्यूज हो जाएगा, क्यों लेंस में इसमें माइनस आता है, देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है, बीच में माइनस आता है, देखिए ये बीच में माइनस है लेंस में और मिरर में बीच में प्लस है, तो ये चीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर में क्या होता है माइनस वी बाई यू होता है ठीक है, याद रखना, और लेंस में क्या होता है यू बाई वी, वी बाई यू, मिरर में माइनस होता है ठीक है और लेंस में माइनस नहीं होता है, उसी तरह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, दे देगा एग्जाम में कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज दे दिया हुआ है मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, तो बताइए कितना होगा आवर्धन क्षमता या फिर मैग्निफिकेशन, तो क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर होगा और हाइट ऑफ इमेज याद रखिएगा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, याद रखना क्या ऑब्जेक्ट ऊपर होगा ठीक है, कहीं उल्टा कर दिएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैग्निफिकेशन याद रखना है माइनस वी बाई यू मिरर में और वी बाई यू लेंस में। पावर ऑफ ए लेंस वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, ए फोकल लेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, या फिर 100 अपॉन फोकल लेंथ करके सेंटीमीटर में आएगा ठीक है, वन अपॉन यहाँ पे याद रखिए हो जाएगा। चलिए अपर्वतनाक मतलब क्या होता है, साइन आई अपॉन स्नेल्स लो, स्नेल्स लो बोलते हैं इसको, स्नेल्स लो बोलते हैं इसको, साइन आई बाई साइन आर। चलिए प्रतिरोधों की जैसे जैसे क्या होता है ना सीरीज सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मान लीजिए वी इज इक्वल टू आई आर है, यदि रेजिस्टेंस निकालना सीरीज में है तो सीरीज कैसे लिखेगा, सबको जोड़ देना आर वन आर टू आर थ्री सबको जोड़ देना ठीक है, और यदि पैरेलल में रहेगा तो वन अपन आर वन इज इक्वल टू वन अपन आर टू ऐसे करके ऐसे करना आपको, कन्फ्यूज मत होइएगा ठीक है। चलिए उष्मा का फूल बताइए, उष्मा क्यू इज इक्वल टू कहाँ, चल चल क्यों नहीं भाई, चलिए Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इंपॉर्टेंट है C मतलब स्पेसिफिक हीट, ये जानते होंगे आप लोग ठीक है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप में दे देगा आपको, इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो गति की ऊर्जा बोलते हैं, ऑफ टू बॉडी ऑफ सेम मास है, मास मतलब सेम है ठीक है, ये दिया हुआ 4:9 तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी बताना है, तो कैसे बोला ये उसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, रेशियो दे दिया हुआ है तो वी वन स्क्वायर अपन वी टू, तो वी वन अपन वी टू निकालना है, तो देख ले वी वन अपन वी टू क्या होगा अंडर रूट में आ जाएगा, वी वन इधर ले जाएगा तो अंडर रूट नहीं आएगा तो 2/3 हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला आएगा, ये तीन थोड़ा बता दिया, ये चीन बता दिए, ये बता चुके दिए, ये भी बता दिए, ये बता दिए, फोर्स का फॉर्मूला ये बता चुके हैं। देखिए ये पूछ देता है जी का वैल्यू, जी और एम बीच में रिलेशन, मास ऑफ अर्थ इंटू जी अपन रेडियस ऑफ होल स्क्वायर, जी एम ये चीज़ याद रखना करवा चुके हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। एस्केप वेलोसिटी प्लान वेग पहले बता चुके हैं, टू जी एम ई अपन आर ई, एस्केप वेलोसिटी फार्मूला कितना होता है डाटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक बार याद रखना है कि एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होता है, रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, या ऑर्बिटल मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी होता है उसका, रूट टू टाइम्स ऑफ व्यू और ये याद रखना रिजल्ट इसको ठीक है। व्यू मतलब कच्ची वेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को, कच्ची वेग बोलते हैं, हिंदी वाले को लिए दिक्कत नहीं होगा,
कछिए वेलोसिटी या कछिए वेग बोलते हैं आपको, ठीक है। चलिए ये टाइम पीरियड बता चुके हैं, 2π ln g। यहाँ से स्टार मार्क कीजिए दो पॉइंट को, पूछ देगा कि टाइम पीरियड इन्फिनिटी का कितना होता है, तो 84.6 मिनट में याद रखना है, 84 पॉइंट यह आया वो क्वेश्चन है, 84.6 मिनट याद रखना है। और सेकंड टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम पूछ देगा कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, सेकंड पेंडुलम का क्या होगा, 2 सेकंड होगा, और इसमें 84.6 मिनट आता है, याद रखना है आपको, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि एक बॉल को जिसका यू जीरो है वो एक हाइट से नीचे गिराते हैं, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो फाइंड द वेलोसिटी निकालना आफ्टर 3 सेकेंड। तो तीन इक्वेशन बताए थे, कोई भी लगा लीजिए जो आपको लग रहा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी जीरो दिया हुआ है क्योंकि शुरुआत में जीरो है, ए दिया हुआ 9.8 × 10³, तो यहाँ से v निकल के आ गया, फाइनल v मतलब फाइनल वेलोसिटी जो भी है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक, श्रिंक मतलब सुकड़ जाता है 1%, रेडियस ऑफ मतलब अर्थ रेडियस ऐसे, ठीक है, फिर रेडियस ऑफ द श्रिंक होके हो गया इतना बड़ा, श्रिंक हो गया कितना 1% से श्रिंक हो गया, वही क्वेश्चन पूछा है। इट्स मास रिमेंस सेम, इसका जो मास होता है वो सेम रहता है, तब वैल्यू बताना जी का, जी का वैल्यू, तब आपको ये फार्मूला पता होता ही बना पाइएगा, क्यों देखिए, इसलिए क्योंकि ये फार्मूला पता होगा gm/r² ही है। तो पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, और नया आर क्या हुआ, मतलब 0.1% से श्रिंक हो गया, मतलब कि 0.01% से श्रिंक हो गया, तो कितना बच गया देख लें, यहाँ पे जी डैश कितना होगा, gm/, देखो यहाँ r² होगा, यहाँ पे 0.99 r², क्योंकि 0.1% से श्रिंक हो गया, मतलब कम हो गया, तो कम हो गया तो इतना बचा, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या आया, g' / g कट कुटा के इतना आएगा, नीचे आएगा, ऊपर में बनेगा ऐसे करके 1/0.99² बनेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.02%, ये पॉजिटिव में आ जाए, इसका मतलब कि इट मीन्स इंक्रीज बाई 2%, कितना परसेंट, 2% से बढ़ा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत सारे लड़के नहीं बना पाएंगे, आज जिसको फॉर्मूला पता ये वाला तो आराम से बना के आ जाएगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो बार बार बोल रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ करा देंगे इसमें जो कौन नहीं करवा पाएगा, 1000 रुपये 2000 रुपये भी ले आओ वो भी नहीं करवा पाएगा, ठीक है। चलिए फार्मूला बता देता, पावर ऑफ द लेंस, मान लीजिए कहाँ चल गया, देखिए इफ द लेंस ऑफ द पावर ग्लास, लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर दिया है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, d = 1/f निकाल दीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, ठीक है। चलिए यूनिट कन्वर्जन आपको दिमाग में रखना है, सेंटीग्रेड से मान ली टेम्परेचर दिया हुआ है 20 सेंटीग्रेड, उसको बोलेगा केल्विन में बदलिए, तो कितना होगा, कुछ नहीं करना 273 से ऐड कर देना है, कितना 273 ऐड कर देना है, एक केल्विन होगा, केल्विन में तो आसान है, सेल्सियस में दिया हुआ है 273 ऐड कर दीजिए तो केल्विन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, क्वेश्चन आपको यहीं से देगा, आपको सेल्सियस अपन फ़ारेनहाइट, मान लीजिए सेल्सियस का डिग्री दे दिया कितना 50 दे दिया, मान लीजिए एग्जांपल के 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं CY5 चेंज कर लेते, फिर इज इक्वल टू f-32/9, ठीक है, C कितना दिया हुआ 50, तो 50/5 f-32/9, तो 10×5=50, यहाँ हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 10×9=90, 90+32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, कितना हुआ 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इसलिए ध्यान में रखना है, इसलिए हर चीज़ आपको कवर कर दिए ताकि कुछ भी पूछे टेंशन फ्री रहना आपको, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री है, ठीक है, देन वही करना है, पुट कर देना 40, देखिए फिर वैसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या होता है आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और तरंग दैर्ध्य मतलब होता है लैम्डा, और सी मतलब स्पीड, आपको पता ही है सी पहले होगा फिर f × λ, एग्जाम में क्या होगा ना परिसर में कि एफ लिखिएगा तो आवृत्ति इज इक्वल टू c × λ कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा मामला, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस याद रखना है आपको, सी पहले लिखना है frequency × λ, मतलब वेलोसिटी जो होगा वो किसका, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य का प्रोडक्ट होता है। चलिए ये फार्मूला बता चुके हैं आपको, तीन फार्मूला, P = VI इम्पोर्टेंट है, ये वाली I² RT भी इम्पोर्टेंट है,
और 11 का वी आई टी ए लिख सकते हैं, 11 फॉर्म बता चुके हैं पहले, और वी स्क्वायर बाई आर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, जैसे न्यूमेरिकल इस तरह पूछ देगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू इतना वोल्ट जनरेटर, द करेंट इतना, द पावर क्या होगा, तो पावर क्या होगा वी आई, वी कितना हुआ वोल्टेज 220 वोल्ट, और करंट दिया 0.5 एम्पियर करंट है, तो 0.05 ठीक है, इसको जस्ट 5 × 10 110, कितना 110 वाट। ठीक है, चलिए बता चुके हैं, आर मतलब प्रतिरोध बोलते हैं इसको, आर का मतलब प्रतिरोध, ठीक है, रो एल अपन रोल मतलब प्रतिरोधकता बोलते हैं, एल मतलब एरिया, लेंथ ए मतलब एरिया, तो आई ये भी फॉर्मूला रखना, आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए, इंपॉर्टेंट है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही में से आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। ठीक क्वेश्चन, यदि इसका फार्मूला सब पता है तब आराम से बना लीजिएगा, आपके डिमांड पर रहेगा आप कि आपको क्या बोलते हैं यूनिट का क्लास चाहिए, यूनिट और डायमेंशन का, कहने का मतलब पूछ जाता है इसे फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन, इसका डायमेंशन क्या होता है MLT - T से नहीं होता है, ये क्लास चाहिएगा तो बोल दीजिएगा, मेजोरिटी में कमेंट आएगा तो करेंगे, या फिर ये है इस ये काफ़ी सफिशियंट है आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए, JSSC UPSC PSC जहाँ बैठना है आपको, SSC रेलवे वगैरह सारा जितना भी करवाएं मैक्सिमम फार्मूला इसी से फंसना आएगा, फिजिक्स में निकल आएगा तो इसी में से आना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत करवा दिए, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग इसके लिए क्या करिएगा, करते कुछ नहीं आप लोग, सिर्फ शेयर वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग देखते हैं और लाइक भी नहीं करते, मतलब लाइक करने में क्या जा रहा है, लाइक कीजिएगा मान लीजिए तो क्या होगा, आपका अंगूठा टूट जाएगा क्या, नहीं टूटेगा, तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना शेयर भी करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा पूरा क्लास, और एक दो बार देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, और मान लीजिए किसी को PDF वगैरह चाहिए, मान लीजिए इसका PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा भाई, कहाँ पर मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है JSSC वाला, टेलीग्राम में JSSC वाला लिखिएगा ना तो मिल जाएगा, 1200 सब्सक्राइबर हैं उसमें, या फिर हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे टेलीग्राम लिंक का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।